हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर ये आप फेसबुक में देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज बायोलॉजी फॉर ऑल को फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लड ग्रुप, ये टॉपिक आप हाई सेकेंडरी के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। और ये ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है इससे आपको सीएसआईआर के एग्जाम में भी आता है। तो ये ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरह से आप स्टडी करोगे कि ये एक्चुअली ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये ब्लड ग्रुप चार तरह के हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये चार ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हो सकते हैं। ये पॉजिटिव ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, इस तरह से होता है। ये एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है ये एक्चुअली होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीजन। ये आर एच एंटीजन क्या होता है? एक्चुअली ये आर एच एंटीजन ये रेसस फैक्टर एक होता है। ये एंटीजन आपके ब्लड आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होता है। अगर ये आर एच एंटीजन आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट हो तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अगर एबसेंट हो उसे नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऐसे बोल देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, आप किस डोनर से आप ब्लड ले सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली हम देखते हैं एक्चुअली ये ब्लड ग्रुप किस तरह से, ब्लड ग्रुप क्या होता है और हम किस तरह से ब्लड डोनर से ले सकते हैं। हम फर्स्ट देखते हैं कि एक पर्सन, फॉर एग्जांपल एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए। तो हमेशा याद रखिए, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके ब्लड में जो कि आरबीसी है वो आरबीसी के सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट रहेगा ए, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा ए और प्लाज्मा जो कि ब्लड का ही फॉर्म है, प्लाज्मा में रहेगा एंटीबॉडी बी। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है हमेशा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, एक पर्सन जिसके बॉडी में आरबीसी है और उसके आरबीसी में ए एंटीजन है, वो कभी नहीं चाहेगा उसका ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो। तो उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं रहता और वो ब्लड ग्रुप, ऐसा कहते हैं कि आपका बॉडी में कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आप बी ब्लड ग्रुप पर्सन से आप ब्लड नहीं ले सकते। किस लिए नहीं ले सकते हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। तो उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा? उसके आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा। तो और उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीबॉडी दो तरह के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अगर आपके सरफेस में एंटीजन ए रहता है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहता है, ठीक है। तो वो किस किस ब्लड ग्रुप डोनर से वो ले सकता है, रिसीव कर सकता है ब्लड, हम कंसीडर करते हैं। आप कंसीडर कर लो ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव, उसके आरबीसी में कौन कौन सा एंटीजन रहेगा? ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है और ये भी ओ ए पॉजिटिव है, ठीक है। इसके आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये आरएच एंटीजन है। और ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव मतलब आरएच प्रेजेंट है और ओ पॉजिटिव होने से उसके बॉडी सरफेस में सिर्फ आरएच एंटीजन ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर एंटीजन
ए एन एंटीजन बी प्रेजेंट होता तो इसके प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी तो एब्सेंट रहता, एकदम एब्सेंट रहता, जो कि एक्चुअली नहीं होता। उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी एब्सेंट रहता, जो कि ऐसा नहीं होता। उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है ए एंड बी। तो अगर एंटीबॉडी ए एंड बी रहता है, दैट मीन्स इसके सरफेस में एंटीजन ए भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसके बॉडी में एंटीबॉडी ए एंड बी है, ठीक है। ये अगर अपना ब्लड मुझे, मतलब कि ए पॉजिटिव पर्सन को डोनेट करने से, आप देखिए इसने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद देखिए इसमें एंटीजन है आर एच पॉजिटिव, ठीक है, आर एच पॉजिटिव है। आप देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, इसमें एंटीजन है आर एच प्लस और एंटीबॉडी आर एच प्लस, इधर आप देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ पर तो एंटीबॉडी आर एच नहीं है, तो दैट मीन्स ये दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ पॉजिटिव डोनर, ठीक है। इससे तो आपने देखा ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन हु इज एक्ट एज ए डोनर, ठीक है। अभी ओ पॉजिटिव तो हो गया, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ओ पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हम देखते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉजिटिव अगर हम कंसीडर करते हैं पर्सन जो कि डोनर के हिसाब में आता है, तो बी पॉजिटिव होने से उसके एंटीजन क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट है उसका बी एंटीजन एंड आर एच एंटीजन, ठीक है, आर एच एंटीजन है। तो ये अगर अपना ब्लड यहाँ देना चाहेगा तो ये ए पॉजिटिव पर्सन को अपना ब्लड दिया है, तो यहाँ पर तो बी एंटीजन है ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये आर एच एंटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आर एच एंटीबॉडी दिखने को मिल रहा नहीं है, तब तो ये और इसके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। मगर आप अगर देखें तो यहाँ में बी पॉजिटिव एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। एज ए रिजल्ट ये ब्लड ग्रुप हम रिसीव कर नहीं सकेंगे बिकॉज ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हम आपको अभी पता चल गया कि क्यों हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप पर्सन से ब्लड ले नहीं सकते। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ ए पॉजिटिव है तो आप बी पॉजिटिव से किस लिए नहीं ले सकते, आपको अभी पता चल गया। तो इसी तरह अगर आप सब ब्लड ग्रुप को कंसीडर करते हैं जो कि ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है या ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है, एक्चुअली हमको कंसीडर करना पड़ता है कि उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और वो एंटीजन के कोरिस्पोंडिंग उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडी एक्चुअली रिएक्ट करता है डोनर के ब्लड के एंटीजन से। अगर डोनर के ब्लड में वही एंटीजन प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी का कोरिस्पोंडिंग रिएक्शन कर सकता है, तो हम उसे ब्लड नहीं ले सकते, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।